सो गाइस जुलाई आ चुका है और जुलाई के अंदर इंडिया के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जुलाई के अंदर आपको कौन से स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, क्या उनके फीचर होने वाले हैं, कब वो लॉन्च होने वाले हैं, क्या उनके अंदर आपको रेट देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला स्मार्टफोन आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी F22। इसके अंदर आपको 6.4 इंच की सुपर अमोल डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। 90Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस इसके अंदर आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। 15W की चार्जिंग के साथ ये आ सकती है। यहाँ पर आपको G80 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। बैक में आपको 48MP का कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसके बारे में बोला जा रहा है ये आपको 6 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकता है और जो इसका रेट होने वाला है वो 20,000 रुपए के आसपास हो सकता है। इस लिस्ट के अंदर सेकंड स्मार्टफोन आते हैं वो है ओप्पो रेनो 6 सीरीज। ये भी गाइस इसी मंथ लॉन्च हो सकती है, 14 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसका रेट ज्यादा हो सकता है, 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के आसपास ही आपको देखने को मिल सकती हैं। ओप्पो रेनो 6 और ओप्पो रेनो 6 प्रो आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको दोनों के अंदर 4300mAh और 4500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। बैक में आपको 64MP का कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। 65W की चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। ज्यादा इसके फीचर भी बाहर नहीं आए हैं तो भाई ये भी आपको इसी मंथ देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है OnePlus Nord 2। OnePlus Nord 2 का काफी लंबे समय से वेट किया जा रहा था और उसके अब लीक भी बाहर आ चुके हैं। OnePlus Nord 2 आपको इसी मंथ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर डेट कंफर्म नहीं हो पाई है बट इसी मंथ आपको देखने को मिल सकता है। MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ ये आने वाला है। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। 90Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके प्राइस की बात करें तो 30,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। तो देखते हैं जुलाई में किस डेट को लॉन्च होने वाला है बट ये आपको इसी मंथ देखने को मिलेगा, जो कि काफी सारी रिपोर्ट भी आपको बता रही है। यहाँ पर आपको बैक में 50MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके अंदर जो दिक्कत हो सकती है वो है 5G बैंड्स के अंदर और 3.5mm जैक के अंदर। बाकी गाइस ये आपको 4500mAh की बैटरी के साथ देखने को मिल सकता है। 65W की चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है वो है ASUS 8Z और ASUS 8Z Flip। ये आपको इसी मंथ देखने को मिल सकते हैं। इसका रेट थोड़ा यहाँ पर 50,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर इनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 4000mAh और 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। ये आपको 30W की चार्जिंग के साथ देखने को मिल सकते हैं। इनका प्रोसेसर काफी अच्छा होने वाला है। 5.9 इंच की फुल HD प्लस अमोल डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। बाकी इसके और भी काफी सारे फीचर हैं जो कि आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएंगे। इस लिस्ट के जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Poco F3 GT। इस स्मार्टफोन का काफी लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा था और बोला जा रहा है ये आपको जुलाई के अंदर देखने को मिल सकता है। Poco F3 GT की टक्कर होने वाली है OnePlus Nord 2 से और Realme X7 Max से। Poco F3 GT के अंदर भी आपको MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस अमोल डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। गाइस यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। 67W की चार्जिंग के साथ आ सकती है। तो ये एक फुली गेमिंग मोबाइल होने वाला है और गाइस इसका जो प्राइस है वो 30,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। इसलिए जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Moto G100 और Moto G20। ये भी आपको इसी मंथ देखने को मिल सकते हैं। 40,000 रुपए के आसपास इसका रेट आपको देखने को मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इसके सारे फीचर कन्फर्म नहीं हो पाए हैं बट ये आपको काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। गाइस इस लिस्ट में जो नेक्स्ट मोबाइल आता है वो है टेक्नो स्पार्क गो। ये भी आपको इसी मंथ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट मोबाइल आता है वो है रेडमी नोट 10 सीरीज। गाइस ये भी आपको 5G वाली सीरीज इसी मंथ देखने को मिल सकती है। तो इसकी काफी ज्यादा टक्कर हो रही है और इसका काफी लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। इस लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Vivo V21 Pro। तो इसका भी काफी टाइम से वेट हो रहा था। इसका आपको कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसी मंथ ये लॉन्च होने वाला है। डेट कंफर्म नहीं है, यहाँ पर फीचर भी अभी ज्यादा कंफर्म नहीं है तो आपको देखने को मिल सकता है। गाइस इसके अलावा दो मोबाइल और हैं जो बोला जा रहा है शायद आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि है MI 11 Ultra। इसका काफी टाइम से वेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको इसी मंथ देखने को मिल सकता है बट ये यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाया है। उसके बाद एक और स्मार्टफोन आ रहा है वो है Realme GT। गाइस ये दिवाली के आसपास लॉन्च होने के बोल रहे थे बट काफी सारी रिपोर्ट बता रही है शायद आपको जुलाई के अंदर देखने को मिल सकता है बट ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है बट काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो Realme GT, MI 11 Ultra ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं बट ये कंफर्म नहीं है। बाकी गाइस ये बाकी के मोबाइल आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएंगे। गाइस कमेंट करके बताना आप किस मोबाइल का वेट कर रहे थे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।